हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मेरी तबीयत रात हुई है। खैर, तो अभी हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में, तो उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ मिनिमा होगा, ये मेनली जब हम साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट की बात करते हैं तब हम ऐसी बातें करते हैं। एक स्ट्रिंग में ऐसी वेव डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, उसके कुछ कंस्ट्रेंट हैं। अब स्ट्रिंग में पर्टिकुलर, अब उसका जो आगे का सेक्शन है, मैक्सिमा कहाँ बनेंगे, मिनिमा कहाँ बनेंगे, यंग्स डबल स्लिट वगैरह, तो वो जब हम रेगुलर क्लासेस में आएंगे तब करेंगे, वहाँ ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम इंटरफेरेंस में ही एक और टाइप का भी इंटरफेरेंस देख रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर ही, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है और इसके अंदर सेम डायरेक्शन में दो वेव चल रही है, दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक तो ये वेव चल रही है ऐसे इधर जा रही है और इसी के साथ इसी स्ट्रिंग में एक वेव ऐसे चल रही है जो कि इससे थोड़ी सी फेज में आगे पीछे है। एम्पलीट्यूड इसका सपोज है A1 और इसका है A2। फेज का डिफरेंस इनके बीच में फाई का है। तो अब स्ट्रिंग पे ऐसा तो है नहीं कि दो वेव चलेगी तो आधी आधी हो जाएगी स्ट्रिंग, नहीं ना। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इन एम्पलीट्यूड का एक रिजल्टेंट निकाल लेगी। स्ट्रिंग क्या करेगी, इनका एक रिजल्टेंट निकाल लेगी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो सपोज ये वेव है आपकी y1 = a1 sin ωt − kx और ये वाली है आपकी a2 sin ωt − kx + φ। फाई यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब मेरे को ए नेट निकालना है, तो हमें पता है ए नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेंगे। तो ए नेट क्या हो जाएगा, तो y नेट होगा आपका a नेट क्या होगा, a1² + a2² दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वेक्टर एडिशन 2a1 a2 cos φ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगा a नेट sin ωt − kx + कुछ एंगल आ जाएगा अब अल्फा, ये हमने देखा है ऐसा ही ऐसे निकलता है। दोनों एम्पलीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पर a1 मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं हम a2, और इनका जो भी रिजल्टेंट होता है वो हो जाता है a नेट, और ये एंगल होता है आपका फाई और ये एंगल होता है अल्फा, और यहाँ पर हम जो लिखते हैं ये लिखते हैं साइन फेज ऑफ a1 + α, याद आया फेज ऑफ a1। तो जब दो वेव एक स्ट्रिंग पे सेम डायरेक्शन में चलेगी तो इससे बनेगी क्या, उससे क्या बनेगी, तो उससे भी एक वेव ही बनेगी। ये देखो a नेट sin ωt − kx + α, ये भी एक वेव ही बनी है। ये देखो ये नया एम्पलीट्यूड आ गया है फिर से ωt − kx, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली एक वेव ही बनी है। जब एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव चलेगी जिनके बीच में फेज डिफरेंस फाई होगा, तो उनका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये होगा और रिजल्टेंट वेव भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव चले तो पॉजिटिव चलेगी, दोनों नेगेटिव चले तो नेगेटिव चलेगी। ये ध्यान रखना कि अभी दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर अपोजिट में चलेगी तो क्या होगा वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा,
अब जैसे मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, A1 और A2 को मैं बराबर ले लूँ, तो A नेट क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos phi, यही होगा, ये हो गया 2A स्क्वायर, तो क्या बना? √2A, और 1 प्लस cos phi क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर phi, मतलब √2 cos phi. तो जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा 2A cos phi, 2A cos phi by 2 cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा by 2. अब देखो तुम, अगर यहाँ पर फाई आपका 180 होता, फाई 180 होता, तो ए नेट कितना होता? 0. फाई 180 का क्या मतलब है कि एक पल्स तो आपकी ऐसे ऊपर है, ठीक है, और दूसरी पल्स कहाँ है? नीचे. ये जब दोनों मिलेगी तो कैसी पल्स बनेगी? कोई पल्स नहीं बनेगी, स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगी. अब जैसे साइन के ग्राफ में बनाओ, देखो एक तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, और एक साइन एक्स प्लस 180 का बनाओ, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? एकदम इसके अपोजिट, ऐसा. तो ये ए है, ये भी ए है, फेज डिफरेंस यहाँ पर पाई का है, तो ये पल्स ऊपर, ये पल्स नीचे, दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी. मैंने कहा था ए, ये माइनस ए, जुड़ जाएंगे, ए वन प्लस ए टू जीरो, ए वन प्लस ए टू जीरो, ठीक है. तो जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो 2a cos phi by 2. अभी हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब वेव्स आएंगी, ये सब स्ट्रिंग की बात हो रही है भाई, ये लाइट और साउंड में स्ट्रिंग के हिसाब से थोड़ा कम चलता है, साउंड में फिर भी चल जाता है, स्ट्रिंग में से अपोजिट डायरेक्शन में आती है और वहाँ बीच में कहीं मैक्सिमम बनता है, कहीं मिनिमम बनता है, ऐसा कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप एक डिटेक्टर नहीं घुमा सकते बीच में, लेकिन आप साउंड में बीच में कोई डिटेक्टर घुमा सकते हैं, वहाँ पर इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, लाइट में आप इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है. अब स्ट्रिंग में अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स आए, अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स कैसे आएगी? तो एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में एक वेव जा रही है और दूसरी मान लो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, क्या आ रही है? रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है. जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, एक वेव ऐसे जा रही है इसमें, ये यहां से बंधा हुआ है, जाने वाली वेव है सपोज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ भी कह लो, और जो आ रही है वेव वो है आपकी ए साइन सपोज ओमेगा टी प्लस के एक्स. ध्यान से सुनना, ये एक वेव जा रही है, दूसरी आ रही है वेव इधर से ऐसे, ओमेगा दोनों का सेम है, एक जा रही है एक आ रही है. तो अब यहां पर दोनों वेव का रिजल्टेंट क्या होगा? तो हमारे लिए लीनियर वेव्स है, लीनियर वेव्स में हम वेक्टर एडिशन नहीं करते, सिंपल एडिशन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. चलो वाई वन प्लस वाई टू करते हैं यहां से. तो ए आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है. देखो यहाँ पर अब फेज डिफरेंस से नहीं हो पा रहा, मेरे से सिंपल साइन का फॉर्मूला लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा.
इसीलिए मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग में ऐसे नहीं किया जाता यहाँ पर कि फेज डिफरेंस निकाल के फिर हम उसका एम्पलीट्यूड निकाल लें, नहीं। तो वाई इक्वल्स टू ए यहाँ लग जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, तो वो हो जाएगा आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी करेंगे तो टू ओमेगा टी बाई टू मतलब ओमेगा टी इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस के एक्स माइनस टू के एक्स बाई टू, तो वो हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो गया टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब ये आपकी जो इक्वेशन है इसको आप गौर से समझो। पहली बात तो ये इक्वेशन बनी कब, टू वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक जा रही है दूसरी आ रही है, तब आपकी ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब मेरे को बताओ क्या ये वेव की इक्वेशन है, इज दिस ए वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन किसका फंक्शन होता है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। क्या ये एक्स और टी का फंक्शन है? तो सही एक्स और टी का, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे उसमें क्या होता था साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स ऐसा होता था। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी अलग है और साइन के एक्स या कॉस के एक्स जो भी क्यों साइनसोइडल फंक्शन वो अलग है। तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में जो आई थी उसमें जो आई थी इक्वेशन वो वेव की इक्वेशन थी, ट्रेवलिंग वेव। जब भी कोई रिजल्टिंग इक्वेशन में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप फंक्शन आए तो उसे कहते हैं हम ट्रेवलिंग वेव। ये भी वेव है बट ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है, इसको कहते हैं हम स्टैंडिंग वेव। क्या कहेंगे इसको, स्टैंडिंग वेव। मतलब ये वेव ट्रेवल नहीं कर रही, यहां पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर रही। पहली बार ट्रेवल की फिर उधर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हुआ कि अब एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही एक जगह से, तो स्टैंडिंग वेव मतलब एनर्जी खड़ी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अगर ध्यान से देखें, पहली बात ये कॉस का फंक्शन है ये साइन का फंक्शन है, क्या मैं इनको जनरलाइज कर सकता हूं? ठीक है, जनरलाइज कर लेते हैं, इसको रफ कर दे यहां से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आराम से समझे इस चीज को। चलो इसको जनरल लिखता हूं मैं, जनरली क्या होगा, वाई इक्वल्स टू टू ए साइन ऑफ kx प्लस फाइव वन, कुछ भी हो सकता है ना, यहां पर जैसे फाइव वन अपना कितना है पाई बाई टू है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ये एक जनरल इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब फाइव वन और फाइव टू आपकी जो इक्वेशन आएगी उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे क्या रहेंगे फाइव वन और फाइव टू, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब ये इक्वेशन कह क्या रही है, ये इक्वेशन कुछ कह रही है, समझो इस चीज को, इसको एक बार के लिए आप भूल जाओ। ये फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, ये फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम। अच्छा, सिंपल एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव वाला एस एच एम भी नहीं, सिंपल जो एक स्प्रिंग होती थी मास होता था एम और वो ओमेगा से एंगुलर फ्रिक्वेंसी से एस एच एम करते थे, वो एस एच एम। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड कहाँ है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड कहाँ है, एम्पलीट्यूड यहाँ रहा। मतलब एम्पलीट्यूड अब क्या है, देखो 2a साइन के एक्स प्लस फाइव वन, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है एस एच एम का, ये कर तो एस एच एम रहा है
और इधर इसका कि ये क्या है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल है विद एक्स, मतलब जैसे जैसे आप इधर से इधर आते जाएंगे एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता जाएगा, करेगा हर एक पार्टिकल एस एच एम, यहाँ पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करेगी, एनर्जी वैसे ही आपकी कंजर्व रहेगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो है अब ये क्या करेगा, वेरी करेगा एक्स के साथ, इधर से इधर बढ़ोगे तो एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा, ठीक है। और ये एस एच एम ये फंक्शन क्या बताएगा, ये बताएगा वही पोजीशन, कहां से, फ्रॉम मेन पोजीशन, कब, एट टाइम टी, वही बात है। देखो अब सिंपल सी बात है, ये एम्पलीट्यूड है और ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो इक्वेशन कैसी बनेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब एस एच एम करेंगे, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स का, मतलब जैसे जैसे आप एक्स में पार्टिकल को ढूंढेंगे तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहां पर अलग होगा, ठीक है। अच्छा तो ये चीज तो बता देगा आपको कि एस एच एम टाइम टी पे उसकी पोजीशन क्या है, हो सकता है वो एक्सट्रीम पे हो सकता है मीन पे हो, ये हो सकता है नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो। अब एक्सट्रीम कहां पे होगा तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a हो सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a हो सकता है, a हो सकता है, 0 हो सकता है, a by 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जिन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, नोड, नोड्स, जिन पार्टिकल का, द पार्टिकल्स हुज एम्पलीट्यूड इज 0। देखो अब एम्पलीट्यूड जो वो साइन का फंक्शन है, साइन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो जिन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होगा उसको हम क्या कहेंगे, नोड्स। और जिन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, अब यहां पर इस केस में मैक्सिमम 2a, हो सकता है किसी केस में आपके मैक्सिमम a नोड दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो जिनका मैक्सिमम होगा मतलब साइन की ये वैल्यू कितनी हो, 1 या -1, उन पार्टिकल्स को हम कहेंगे एंटी नोड्स, क्या कहेंगे, एंटी नोड्स। तो नोड्स वो है जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, अब एम्पलीट्यूड ही 0 है तो वो क्या खा कैसे जम करेंगे, वो तो अपनी पोजीशन पे पड़े रहेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऐसे जम करेंगे। तो यहां तक आप नोट करें, सॉरी। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो दो वेव आमने सामने आई और एक स्टैंडिंग वेव बनी ऐसी, वाई बराबर 2a sin kx और साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब पहली बात तो इसमें बताओ कि नोड्स कौन कौन से हैं, नोड्स कहां कहां है, तो नोड्स कौन से होंगे जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, तो ये एम्पलीट्यूड है, तो 2a साइन kx 0 कब होगा, इसका मतलब साइन kx 0 होना चाहिए, साइन kx 0 का मतलब kx कितना हो, n पाई है कि नहीं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, ये ध्यान रखो, इंटू x इक्वल्स टू n पाई, पाई जी पाई गया, x कितना आया, n लैम्डा बाय 2, तो ये तो रहेंगे आपके नोड,
अब x को 0 पुट करेंगे, n को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2, 2 पुट करेंगे तो लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2। ये इन सब जगह पे क्या रहेंगे आपके नोड। ये SHM की इक्वेशन है, ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल, और जिनका एम्पलीट्यूड 0 उनको हम क्या कहेंगे, नोड। ठीक है, तो अब जब ये मैं इसकी अब देखना, मैं देखो यहां पर आप नोट कर लिया 0 लैम्डा बाई 2। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपके क्या है, नोड्स हैं। अब कैसे बनेंगे नोड्स, नोड्स मतलब इनका एम्पलीट्यूड 0। अब जैसे ये स्ट्रिंग थी, ये है आपका 0,0, पहला नोड कहाँ है, 0 पे, तो एक तो नोड ये रहा, ये वाला पार्टिकल का SHM मतलब एम्पलीट्यूड 0 है, दूसरे वाला पार्टिकल लैम्डा बाई 2, ये लो भाई लैम्डा बाई 2, तीसरा लैम्डा, चलो ये लैम्डा, चौथा 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे करते बढ़ते जाएंगे फिर 2 लैम्डा, तो ये सारे रहेंगे नोड, मतलब इनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, 0। ठीक है, अच्छा बीच में जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वो क्या होंगे, एंटी नोड, तो ये सब नोड है, अब एंटी नोड ढूंढते हैं। ये आपका लैम्डा बाई 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा। ठीक है, एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, इसका मतलब 2a साइन के एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी, 2a, मतलब साइन के एक्स कितना होना चाहिए, 2a, साइन के एक्स कितना होना चाहिए, 1, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देख रहे हैं, तो साइन के एक्स 1 कब होगा, जब आपका के एक्स किसके बराबर होगा, बोलो के एक्स किसके बराबर होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन थीटा 1 कहाँ होता है, साइन थीटा होता है आपका पाई बाई 2 पे, और 3 पाई बाई 2 पे, अगर आप बना लो ना, इतना तो मुझे ही नहीं रहता यार, याद, ये आपका पाई बाई 2, ये हो गया पाई, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, मतलब केस कितना होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये थोड़ा याद रख लो आप, तो k की वैल्यू फिर से रखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई जब पाई गया, x कितना आया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। अब देखो लैम्डा जो है ना, ये वो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ये एक टाइम पीरियड में वेव कितनी ट्रेवल करेगी, ध्यान रखना। अब इसमें एन की वैल्यू पुट करो 0, 0 पुट करने पर कितना आया एक्स, लैम्डा बाई 4, यहां पर एंटी नोड होगा, तो लैम्डा बाई 4 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a मैक्सिमम। 1 पुट करो 3 लैम्डा बाई 4, 2 पुट करो 5 लैम्डा बाई 4, इन सब जगह पे क्या होंगे, एंटी नोड। तो देखो लैम्डा बाई 4 यहां पर कितना, 3 लैम्डा बाई 4, ये और ये, इन सब जगह पे क्या होंगे, एंटी नोड, मतलब इनका एम्पलीट्यूड तो होगा 0 0 0 0 0, हमने कहा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है x के साथ, इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कितना, 2a, मतलब ये वाले पार्टिकल मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड तक ऑक्सीलेट करेंगे, 2a तक, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना जाएंगे ऊपर, 2a तक, ये वाले भी 2a तक, और ये वाले क्या मूव करेंगे, नहीं, तो ये ऐसी कंडीशन, ऐसी स्ट्रिंग वेव बनेगी, देखो फिर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है 2a, ये लो, फिर इसका 2a, ये लो, फिर इसका 2a, ये लो। अच्छा तो अभी तो हमने बताया, देखो इसका एम्पलीट्यूड 0, फिर जैसे जैसे आप x में बढ़ते जा रहे हो एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a। अच्छा लेकिन t इक्वल टू 0 पे अगर देखें
तो पोजीशन कहाँ है सबकी? टी इक्वल्स टू जीरो, इसमें टी जीरो पुट करो तो साइन थर्टी कितना हुआ, वन बाई टू। इसका मतलब सब अपनी जो मैक्सिमम पोजीशन है उससे आधी पे है। इसकी मैक्सिमम पोजीशन टू है, लेकिन ये टी इक्वल्स टू जीरो पे कहाँ है, ए पे। इसमें टी को भाई ये तो ऐसे जम कर रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। थोड़ी देर बाद में ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे चम कर रहे हैं। सिंपल पार्टिकल सारे क्या कर रहे हैं, सिंपल ऐसे चम। फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद वापस ये ऊपर चले जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये एस एच एम करेंगे सारे पार्टिकल, यहाँ पर ये पार्टिकल भी टू ए से एस एच एम करेगा ऐसे, सिर्फ सिंपली आपको ऊपर से नीचे जाएगा और एनर्जी कहीं ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जिनके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उनको तो कहेंगे हम एंटी नोड्स, और जिनके एम्पलीट्यूड जीरो उनको कहेंगे हम नोड्स। मतलब ये गांठे हैं, ये गांठे आपकी मूव नहीं कर रही है। और वेव भी अब ट्रैवलिंग वेव नहीं है, स्टैंडिंग वेव है। इसका मतलब ये जो लूप्स हैं ये अब ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे होते रहेंगे सब। तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। हाँ, इसी में मैं बात कर रहा था। ये तो आपकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन दिखाई गई हर एक पार्टिकल की। हर एक पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजिशन क्या है, टू ए है इस वाले की, जैसे ए है। t इक्वल टू जीरो पे वेव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो t जब जीरो पुट करेंगे तो साइन थर्टी वन बाई टू। इसका मतलब हर x का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वन बाई टू करोगे तो कितना होगा, a। मतलब उसका जो मैक्सिमम है उसका आधा, तो उसका मैक्सिमम इसका टू है। तो t इक्वल टू जीरो पे जो वेव का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखना सब अपने अपने आधे पे रहेंगे ऐसे। उसके बाद वो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, मीन पोजीशन पे आएंगे। मीन पोजीशन पे आएंगे तो पूरी स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, एकदम सीधी। ये सब पार्टिकल एकदम मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, फिर ये चले जाएंगे, ऐसे ये स्टैंडिंग वेव बनती रहेगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक स्टैंडिंग वेव दी हुई है y इक्वल्स टू a साइन kx प्लस पाई बाई सिक्स साइन ओमेगा t। Find nodes and anti nodes। अब यहां पर नोड देखो है तो ये आपकी देखो ए साइन के एक्स, एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन है साइन ओमेगा टी। मतलब कर तो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिंपल एस एच एम। अब यहां पर यही सोचना है पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिंपल एस एच एम। वेव वाला एस एच एम भी नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस एच एम। और क्या बन रहे हैं, नोड और एंटी नोड। नोड कौन सा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो ये साइन के एक्स प्लस फाइव जीरो कब होगा, साइन के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स जीरो कब होगा, जब के एक्स प्लस पाई बाई सिक्स किसके बराबर होगा, एन पाई के, है ना। तो x कितना आया है यहाँ से, तो के एक्स आया आपका एन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, के की वैल्यू रख दे टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, पाई से पाई गया। x कितना आया, लैम्डा बाई टू एन माइनस वन बाय सिक्स। अब n की वैल्यू इंटीजर पहले रखें आप जीरो, अगर एन आप जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस लैम्डा बाई ट्वेल्व। उसके बाद एन को आप वन रखें, वन माइनस वन बाई सिक्स कितना हुआ,
5 by 6 मतलब 5 lambda by 12, उसके बाद 2 रखेंगे तो 12 minus 1 11 lambda by 12। तो ये सब नोड्स हैं, ये सब क्या है नोड्स। और एंटी नोड के लिए kx plus pi by 6 होना चाहिए आपका 2n plus 1 pi by 2। सिंपल, उससे आपको क्या मिल जाएंगे एंटी नोड, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा और दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा, ये कंपलसरी है, होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो नोड कंसेक्यूटिव है बीच में एंटी नोड नहीं है, या फिर दो एंटी नोड कंसेक्यूटिव है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहां पर, अब बनाते हैं इसका डायग्राम, ये नोड के लिए आपने नोड्स कहां कहां बन रहे हैं देखो। तो 0, यहां पर 0 पे तो नोड है नहीं, पहला ही नोड है माइनस लैम्डा बाई 12, तो यहां पर माइनस लैम्डा बाई 12, और दूसरा नोड है 5 lambda by 12, यहां से 5 lambda by 12। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी हुई लैम्डा बाई 2 हुई ना, लैम्डा बाई 12 प्लस 5 lambda by 12, 6 lambda by 12, लैम्डा बाई 2, 5 lambda by 12। इसके बाद अगली कहाँ है, अगला नोड कहाँ है, 11 lambda by 12। ठीक है, तो ये सब नोड है, मतलब ये नोड, ये नोड, ये नोड, तो स्टैंडिंग वेव, ये दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, ये ध्यान रखें। तो ये सब तो हो गए नोड, इनका एम्पलीट्यूड 0। उसके बाद एंटी नोड, एंटी नोड कहाँ होगा, तो एक एंटी नोड में निकाल लेता हूँ, यहाँ पर एन को 0 पुट करो, तो हो गया ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, 3 6 3 2 पाई बाई सिक्स, मतलब हो गया ये पाई बाई 3, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इजिकल टू पाई बाई 3। तो एक्स आया आपका लैम्डा बाई 6, एक्स कितना है लैम्डा बाई 6, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ कहीं पहला एक नोड बनेगा। तो ये थोड़ा आपने ज़्यादा दूर ले लिया, खैर ये लो, ये एंटी नोड 0 पर नहीं है ये भी, ठीक है। तो ये नोड और ये एंटी नोड, मतलब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसका 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, और ये ऐसे। तो ये तो बनी आपकी स्टैंडिंग वेव। अभी t इक्वल टू 0 पे अगर t 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0, इसका मतलब सारे पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर ही है, सबका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे सब कहाँ है, मीन पोजीशन पे। देखो वहाँ पे t 0 पुट करो, y कितना आएगा 0, ये y क्या था, पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर होंगे। तो t इक्वल टू 0 पे स्टैंडिंग वेव ऐसे दिखेगी, उसके बाद पार्टिकल ये ऊपर जाएंगे, वो नीचे जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, फिर ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे आएंगे। तो स्टैंडिंग वेव को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्लीट लूप में, कि भाई थोड़ी देर बाद में वेव पार्टिकल किधर आएंगे, ये नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, या फिर दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। जैसे सिंपल वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इसमें एक एंटी नोड और नोड के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, एक नोड और नोड के बीच में भी कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, या यूँ समझ सकते हैं कि जिस रेट से एनर्जी जाने वाली रे की ट्रांसफ़र होती है उसी से वापस भी इसको मिल जाती है, तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ पर क्या रहता है, 0 रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कोई पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 6 एट टी इक्वल टू 0, वो पार्टिकल जो x इजिकल टू लैम्डा बाई 6 पे है उसकी वेलोसिटी कितनी t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो
पहली बात तो आप एक्स को लैम्डा बाई सिक्स पुट करो यहाँ पे और निकालो कि उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है। तो उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास ए, आप निकाल लेना एम्पलीट्यूड क्या आएगा ए। तो उसकी SHM की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, ये पार्टिकल की। तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी ए कॉस ओमेगा टी। टी इक्वल टू जीरो पे कॉस जीरो वन रख दो ए ओमेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई ए ओमेगा। तो हर एक पार्टिकल यहाँ पर सिंपल SHM कर रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। कल मैं इसी से रिलेटेड कुछ नोट्स भेज रहा हूँ आपको, पहले नोट्स भेज दूँगा, सुबह जल्दी भेज दिए मैंने, आप देखिए उसमें। तो पहले नोट्स पढ़े और फिर उसको बना रहे। अच्छा, तो अब हम आते हैं इसी में, इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे, नोड्स एंटी नोड्स, कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है नोड और एंटी नोड की, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 5-10 मिनट। खैर, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। तो हमने देखा कि जब एक स्ट्रिंग में जैसे दोनों तरफ से बंद है, फिक्स्ड एंड है, ये भी आपका, अगर वो एंड फिक्स है, इसका मतलब ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा बताओ मुझे, कितना होगा जीरो। और ये भी फिक्स है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड होगा जीरो। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, नोड होंगे। ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए, और फिर मैं कह रहा हूं इसमें एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, इधर से एक वेव ऐसे जा रही है वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। तो स्टैंडिंग वेव कैसी कैसी जनरेट हो सकती है, तो स्टैंडिंग वेव में एक बात पक्की तय है कि इसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा, तो मतलब ये नोड बनेगा हमेशा, इसका भी एम्पलीट्यूड जीरो होगा क्योंकि ये भी बंधा हुआ, तो ये भी हमेशा क्या बनेगा, नोड। अब मिनिमम टू मिनिमम कंडीशन ये हो सकती है कि दो नोड कंजिक्यूटिव नहीं हो सकते, तो मिनिमम बीच में एक क्या आ सकता है, एंटी नोड, मतलब इनका एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर सकता है, इसका एम्पलीट्यूड जीरो, इसका जीरो, बीच में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और थोड़ी देर बाद में ये सारे पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, नीचे ऐसे। तो मिनिमम ऐसी सिचुएशन बन सकती है स्टैंडिंग वेव की, और भी बन सकती है, लेकिन मिनिमम ऐसी बन सकती है कि एक नोड दूसरा नोड, बीच में एक एंटी नोड। अब एक फॉर्मूला था आपको याद हो तो, v बराबर f लैम्डा। नाउ सपोज दिस लेंथ इज l, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी l। अब वेव की वेलोसिटी v बराबर f लैम्डा। अब देखना, मैं यहां से f निकालना चाहता हूं, f कितना होगा, मैं समझाऊंगा f क्या है। f हो जाएगा आपका v बाय लैम्डा। अब जब स्ट्रिंग के अंदर वेव चल रही होती है तो वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है अंडर रूट टी बाय म्यू। और लैम्डा, अब मेरे को बताओ यहां पर लैम्डा कितना है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाय टू। तो यहां पर लैम्डा बाय टू आपका एल के बराबर है, ये लेंथ एल है, तो लैम्डा किसके बराबर है, टू एल के, तो ये हो गया 1/2। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आई आपके पास 1/2L रूट ओवर टी बाय म्यू। ये फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसी सिचुएशन डेवलप करने के लिए। मतलब अगर आप इस स्ट्रिंग को जो दोनों तरफ से पैक है, इसमें स्ट्रिंग टेंशन टी है, इसका म्यू दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं इस पॉइंट पे, इस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेशन करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनेगी जिसमें सिर्फ एक ही लूप होगा, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब सपोज करो मैं और फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ाऊं आगे, तो क्या होगा, मान लो मैंने अगली फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और
अब इसका लूप चेंज हो गया, अब ये नोड था, ये नोड था, अभी तक बीच में एक एंटी नोड था, अब कितने आ गए, दो आ गए, मतलब बीच में एक नोड और आ गया। तो अब मान लो वेव ऐसी बन गई, स्टैंडिंग वेव ऐसी बन रही है, पहले सारे ये पार्टिकल ऊपर थे, अब फिर नीचे चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये क्या करते रहेंगे ऐसे चैम, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेव में ये सारे ट्रैवल करते हैं आगे। ये वेव फॉर्म कैसे ट्रैवल करता है, सीधा ट्रैवल करता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में वेव फॉर्म आपको ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ये लेंथ एल है, अब मुझे पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वही फंडा फिर से, वी बराबर एफ लैम्डा, एफ बराबर वी बाय लैम्डा, वी कितना हो गया अंडर रूट टी बाय म्यू, और लैम्डा, अब देखो ये नोड नोड दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय टू, और ये लैम्डा बाय टू, तो कितनी होगी लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर हो गया एल के, ये लेंथ कितनी हो गई लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है एल के, तो वन बाय एल। तो अब फ्रीक्वेंसी आई वन बाय एल रूट ओवर टी बाय म्यू, मतलब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं तो ऐसा ऐसी स्टैंडिंग वेव आपको नजर आएगी। अगर आप और ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो फिर कैसी नजर आनी शुरू हो जाएगी आपको, ऐसी बढ़ती जाएगी, ये लूप्स बढ़ते जाएंगे, एक लूप था फिर दो हुए, फिर तीन होंगे, पांच होंगे, सात होंगे, बढ़ते जाएंगे। इनको कहते हैं रेजोनेंस, क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस। तो ये जो पढ़ा आपने ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब दो वेव्स का मिलना और मिलके अच्छा आउटपुट देना, अच्छी स्टैंडिंग वेव डेवलप करना, उसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी से जनरेट करें, तो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे करो ऐसी वेव बनेगी, वो तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उससे कम पे करोगे तो यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं होगा, गुबज गुबज होती रहेगी, कभी बनेगी कभी बिगड़ेगी, लेकिन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे आते ही ऐसी वेव जनरेट हो जाएगी। चलो अब आप अपनी वेव्स की शीट करें भाई, बहुत हो चुका है अब, और मुझे जो भी डाउट हो आप मुझे सेंड कर दें, हम डील करेंगे उनको अच्छे से। ओके चलो भाई, बाय।